हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने अपना गार्डन में जो है कुछ चेंजेस किए हैं और एक जो है नए लुक मैं अपना गार्डन में देने की कोशिश की हूँ, तो वो देख लेती हूँ। तो फर्स्ट में तो मैं एक जो है वाटरफॉल फाउंडेशन बनाने का जो है तो कोशिश किए हैं और देख सकते हैं। तो इसको जो है मैंने बहुत पहले से इसका मैंने तैयारी कर लिए थे। तो है कुछ जो है मुझे अरेंजमेंट करना पड़ा था, तो फिर भी जो है मेरा जो है बहुत मन मुताबिक जो हो नहीं पाया है। तो कुछ प्लांट्स को मैंने जो है साइड में कर दिए हैं, गार्डन के दूसरा तरफ जो है मैंने शिफ्ट किए। हालांकि मेरा गार्डन का स्पेस जो है बहुत ही छोटा है, फिर भी जो है कोशिश किए हैं। और देख वाटर फाउंटेन का जो है एक जो है गार्डन में अगर वाटर फाउंटेन अगर रहे तो गार्डन का जो है बात ही कुछ अलग हो जाते हैं, गार्डन देखने में अलग बनते हैं। और विंटर के टाइम जो फ्लावर ज़्यादा होते हैं तो इस टाइम जो है ये सब जो है करना थोड़ा सा जो है अच्छे होते हैं, जो गार्डन को देखने में अच्छे लगते हैं। तो और मैंने जो है पिटूनिया को जो इस तरफ मैंने जो है कुछ जो है दो लाइन में शिफ्ट किए हैं। हालांकि इससे पहले जो मेरा जो है तीन लाइन चार लाइन का जो है पिटूनिया था, तो मैंने कुछ पिटूनिया को अलग कर दिए जो कि मैं एक वीडियो पे दिखाने वाली हूँ। और जो है यहाँ पर मैंने दो ही लाइन रखी हूँ पिटूनिया के लिए। तो इधर मैंने रेड वाइट और बाई कलर से मैंने इधर डेकोरेट किए हैं पिटूनिया, सभी पिटूनिया को, जो कि देख सकते हैं। और जो है देख सकते हैं इधर भी बाई कलर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और इधर आ जाते हैं तो इधर देख सकते हैं एक बाई कलर और है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में पर्पल कलर में। और इधर अगर आ जाते हैं तो फाउंटेन के चारों तरफ से मैंने जो है पिटूनिया जेरेनियम और पेंजी से मैंने डेकोरेट किए हैं। और मैंने वाटर फाउंटेन मैंने कैसे बनाया इस पर भी मैं एक जो है वीडियो डालने वाली हूँ बहुत जल्द, तो अभी तो वीडियो रेडी नहीं हुआ, तो बहुत जल्द मैं डालने वाली हूँ। तो इधर आ जाती हूँ मैं अपना गार्डन के इस तरफ। देखिए इधर एक जो है पिंक कलर का पिटूनिया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इधर देख सकते हैं थोका पिटूनिया है डबल पटल का। और इधर जो है आ जाते हैं, मैंने दो ही लाइन मैंने जो है किए हैं। आ जाती हूँ डालिया पर, तो डालिया का अभी जो है ये मेरा अभी चल रहा है डालिया ऐसा। तो सभी डालिया को मैं जो है एक जगह मैं करके रखी हूँ, अलग अलग मैंने बिल्कुल शिफ्ट नहीं की, एक जगह शिफ्ट करके रखी हूँ। हालांकि इस बार मेरा बहुत सा डालिया ख़राब हो गया था। आ जाती हूँ मेरा हॉली हॉक में, हॉली हॉक का भी तीन कलर है। और हॉली हॉक के साथ साथ मेरा हिबिस्कस भी बहुत अच्छा खिल रहा है अभी, हाइब्रिड हिबिस्कस अच्छे से खिल रहा है। और हॉली हॉक देख सकते हैं वाइट कलर में है। हॉली हॉक जितना है सभी को मैं इकट्ठी रखी हूँ, तो अगर हॉली हॉक अलग अलग रखा जाए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते दिखने में। अगर इकट्ठे रखा जाए जितना भी आपके पास प्लांट हो, चार पाँच या दस,
सभी हॉलीहॉक को अगर इकट्ठे रखा जाए तो बहुत अच्छे जो लुक देते हैं गार्डन को। और आ जाती हूँ इधर, मेरा पिटूनिया का हैंगिंग वाला तो देख सकते हैं, हैंगिंग वाला पिटूनिया। सभी जो मैं पिटूनिया जो लगाई हूँ सभी ऑयल का कैन में जो है ढक्कन को कट कट के, कैन को कट कट के जो मैंने उसे भी लगाई हूँ। इधर जेरेनियम देख सकते हैं, कुछ जेरेनियम तो खिल चुके हैं, कुछ जेरेनियम का जो है अभी खिलना बाकी है। इधर कुछ जो है और देसी पिटूनिया है, और इधर कुछ हैंगिंग में मैं करके रखी हूँ। बहुत ही अच्छा कलर है देखिए ये। और इधर सभी देखिए पिटूनिया का ही मैं ज़्यादातर हैंगिंग बनाई हूँ। और इधर आ जाती हूँ, इधर एक है पर्पल कलर का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पर्पल कलर तो बहुत हो ही जाते हैं। इधर आ जाती हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर है देखिए, पिंक कलर है, हल्का पिंक में है। देख सकते हैं धीरे धीरे जो है पिटूनिया खेल रहे हैं सभी। और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो है इधर कुछ मैंने पिटूनिया दूसरे तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। ये सब पिटूनिया जो बहुत ज़्यादा जो है लंबे हो चुके हैं, क्योंकि ये जो है देसी पिटूनिया है, इसका फ्लावर का साइज़ जो है थोड़ा छोटा होते हैं और पिटूनिया का जो है हाइट बहुत लंबे हो जाते हैं, प्लांट का हाइट तो देख सकते हैं। तो ये सब कुछ पिटूनिया को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।